हम देख रहे थे क्रिएटिंग ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यूज़र भी अपने ऑब्जेक्ट्स जो है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। तो प्रीवियस मेथड में हमने देखा था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट लेटर यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करके। अब इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं, डिफाइन एंड क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर विथ न्यू कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके और न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML, HTML टैग बॉडी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। सेम वही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पर्सन बट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो हमने लिखा वेयर पर्सन इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू नेहा, यानी कि पर्सन की प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम को हम सेट कर रहे हैं नेहा वैल्यू से, फिर उसके लास्ट नेम को शर्मा से, और उसकी पर्सन डॉट एज हमने लिखी है 22। तो पर्सन के अंदर थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो हमने इनको सेट कर लिया। अब इनको अगर हम प्रिंट करवाना चाहें वेब पेज पे, तो हम क्या लिखेंगे, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इज पर्सन डॉट एज ईयर्स ओल्ड। सेम वही आउटपुट जो प्रीवियस में आया था कि नेहा इज 22 ईयर्स ओल्ड। इसकी वैल्यू क्या है, नेहा इज एज इट इज आएगा, फर्स्ट एज क्या है 22 और ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है, तो नेहा इज 22 ईयर्स ओल्ड। तो प्रीवियस जो हमने मेथड देखा था ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करके और जो इसमें देखा है कंस्ट्रक्टर यूज करके, दोनों का ही सेम आउटपुट आ रहा है, बट लिखने का मेथड अलग है, बट वो वाला सबसे ईजिएस्ट मेथड है। अब थर्ड मेथड क्या है, डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड टाइप। तो थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बना के उसमें वैल्यूज सेट करते हैं। पहले में क्या था, प्री डिफाइंड फंक्शन आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे और उसको यूज करके आप वैल्यूज सेट कर प्रॉपर्टीज सेट कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर हम खुद का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। कंस्ट्रक्टर इज प्री डिफाइंड मेथड दैट विल इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। टू डू दिस इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन इज यूज दैट इज कॉल्ड थ्रू द न्यू ऑपरेटर। और जावास्क्रिप्ट में ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जो न्यू ऑपरेटर के थ्रू कॉल होता है। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। एनी प्रॉपर्टीज इन साइड द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आर असाइन यूजिंग दिस कीवर्ड रेफरिंग टू द करेंट ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है इस मेथड से, फिर मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखो हमने बनाया डॉक टाइप HTML लिखा, फिर HTML टैग बॉडी टैग, स्क्रिप्ट हमने लिखी, स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर जिसमें टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखा है, हमने फंक्शन बनाया है पर्सन, और फिर उसमें हमने थ्री पैरामीटर्स रखे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और फिर हमने क्या लिखा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू लास्ट नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। यहाँ पर दिस का वही यूज होता है जो आप जावा में यूज करते हो। जो भी इस पर्सन फंक्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये दिस उसके प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या दिखा है, लिखा है देखो, वेरिएबल हमने बनाया पर्सन वन इक्वल्स टू न्यू पर्सन नेहा शर्मा 22। ठीक है, यानी कि हमने ये जो फंक्शन बनाया है ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है पर्सन, और इसमें इसका हम एक वेरिएबल बना रहे हैं पर्सन वन, और उसकी वैल्यूज क्या रख रहे हैं, फर्स्ट नेम में हम क्या पास कर रहे हैं, ये नेहा किस में पास हो जाएगा, फर्स्ट नेम में, शर्मा से लास्ट नेम में और 22 एज में। तो यहाँ पर आ गया नेहा, यहाँ पर आ गया शर्मा और ये आ गया 22 एंड कॉल होगा, और इसमें ये तीनों वैल्यूज पास हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी तीनों वैल्यूज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज में। और ये जो फर्स्ट नेम है ये किस में स्टोर हो जाएगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ये जो वेरिएबल पर्सन वन है ये प्रॉपर्टी उसकी है। हमने यहाँ पर पर्सन वन बनाया है, तो पर्सन वन के अंदर क्या होंगी, थ्री प्रॉपर्टीज होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो हमने क्या कहा है कि दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी पर्सन वन के फर्स्ट नेम में, दिस मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पर्सन वन है, तो पर्सन वन के फर्स्ट नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, जो फर्स्ट नेम पास किया गया है, तो इसीलिए हमने लिखा है दिस डॉट। फिर
पर्सन वन के लास्ट नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, लास्ट नेम, और पर्सन वन की एज में क्या स्टोर हो जाएगा, एज स्टोर हो जाएगा। अगर हमने एक और वेरिएबल बनाया होता पर्सन टू, ठीक है, उसमें न्यू पर्सन और यहाँ पर हमने लिखा होता आशीष सक्सेना 21, अभी दिस किसको पॉइंट, दिस किसको रेफरेंस कर रहा होगा, पर्सन टू को, तो पर्सन टू का फर्स्ट नेम हो जाएगा आशीष, पर्सन टू का लास्ट नेम क्या हो जाएगा, सक्सेना, और उसकी एज क्या हो जाएगी, 21। तो ये दिस किसका हो जा, दिस किसको पॉइंट रेफरेंस करता है, जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है इस पर्सन फंक्शन को यूज करके। तो अगर इनकी वैल्यूज आपको वेब पेज पे प्रिंट करवानी, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवानी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम वही फर्स्ट पर्सन वन डॉट फर्स्ट नेम। अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, पर्सन वन यूज करके, पर्सन वन डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है इसका, नेहा, फिर यहाँ पर स्पेस दिया है डबल कोट्स के बाद, फिर उसका लास्ट नेम शर्मा, तो नेहा शर्मा इज 22, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है, 22 इयर्स हो, तो नेहा शर्मा इज 22 इयर्स ओल्ड। ये अगर आपने यहाँ पर पर्सन टू बनाया होता तो करते, तो यहाँ पर क्या था, आशीष सक्सेना इज 21 इयर्स ओल्ड। फिर हमने स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग और एस्टिमेट टैग क्लोज कर दिया। तो अब हम थ्योरी से समझते हैं कि अ कंस्ट्रक्टर इज प्री डिफाइंड मेथड दैट विल इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, टू डू दिस इन जावास्क्रिप्ट ए फंक्शन इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड थ्रू द न्यू ऑपरेटर। तो आपको क्या बनाना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शन जिसको आपको न्यू ऑपरेटर के थ्रू कॉल करना होता है। देखो हमने न्यू ऑपरेटर को यूज करके इस फंक्शन पर्सन को कॉल किया था। एनी प्रॉपर्टीज इनसाइड द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आर असाइन यूजिंग दिस कीवर्ड रेफरिंग टू द करेंट ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। और किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी आपने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, पर्सन वन, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी न्यू ऑब्जेक्ट की, जैसे हमारा पर्सन वन है, तो उसकी वैल्यूज को हम कैसे असाइन करते हैं, दिस कीवर्ड से। वो क्या रेफर करता है, रेफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। ये दिस किसको रेफर करता है, जो भी आपने करेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे पर्सन वन, उसको रेफर करेगा। तो जो भी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करोगे वो उस पर्सन वन यानी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की सेट होंगी। इन अबव कोड फंक्शन पर्सन बिकम्स द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड थ्रू द न्यू कीवर्ड ऑन असाइनमेंट टू द पर्सन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर पर्सन फंक्शन जो क्या है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि इसको हमने कैसे कॉल किया, यूजिंग न्यू कीवर्ड, और असाइन किया गया है पर्सन वन वेरिएबल को। तो पर्सन वन के साथ असाइनमेंट यूज करके हमने क्या किया है, न्यू ऑपरेटर यूज करके इस फंक्शन पर्सन को कॉल किया है, इसीलिए पर्सन क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो इन अबो कोड फंक्शन पर्सन बिकम्स द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड थ्रू द न्यू कीवर्ड ऑन असाइनमेंट टू द पर्सन वन वेरिएबल। वैल्यूज आर पास्ड एज पैरामीटर टू द पर्सन कंस्ट्रक्टर। और जो आपने ये जो वैल्यूज पास की है वो क्या होंगी, एज ए पैरामीटर पास होके किसके पास चली जाएंगी, इस पर्सन कंस्ट्रक्टर के पास। ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करने के लिए हम थ्री मेथड यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड जिसमें हम सिंगल स्टेटमेंट यूज करके प्रॉपर्टीज और वैल्यू सेट करते हैं ऑब्जेक्ट की। फिर दूसरा मेथड हमने देखा, हमने प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और थर्ड मेथड में हमने खुद का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया और उसको यूज करके हमने उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए और फिर उनकी वैल्यूज को सेट किया।